अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और इस वक्त बफलो में हूँ, न्यूयॉर्क। यहाँ का जो वेदर है बहुत ही आला है और बारिश भी हो रही थी, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई है और अभी भी फुल क्लाउडी वेदर है। ये होटल है और होटल से मैं थोड़ा सा वॉक के लिए निकला हूँ। होटल भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल और दूसरे सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। काफ़ी बड़ा एरिया पार्किंग के लिए भी है और ये पार्किंग में ही अभी मैं हूँ। वेदर तो पूछे नहीं क्या हो रहा, ऐसा दिलकश है। देखिए, फुल क्लाउड, हर तरफ क्लाउड ही क्लाउड, और बारिश की वजह से तो और भी ज़्यादा मौसम हसीन हो गया है और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। अभी तक जहाँ तक तकरीबन 3 स्टेट गया हूँ मैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो सिटी लगा है, एक है हॉलीवुड, जहाँ फुल ग्रीनरी के साथ पहाड़ों पे आबादी है, और हमने वहाँ टॉम क्रूज, शाहरुख खान और बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, उनके जो घर देखे हमने, तो मुझे बहुत पसंद आया था वो एरिया। क्योंकि एक तो यकीनन जब इतने बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर घर लिया है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। बफलो सिटी और यानी न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अंदर साइड है, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ रेट कम होंगे, लेकिन यहाँ पे सस्ते नहीं होंगे, तो लाखों डॉलर में होंगे। लेकिन यहाँ की भी जो खूबसूरती है ना, वो समझ लिए बयान करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फुल ग्रीनरी हर तरफ और नेचुरल माहौल, प्लस साफ सुथरा शहर, नीट एंड क्लीन हर तरफ। चले मैं आपको दिखाता हूँ और दूसरे कैमरे से भी। ये देखिए जी, ये हमारा होटल है जहाँ हमने स्टे किया हुआ है, और ये पूरी इसकी पार्किंग है। इतनी बड़ी पार्किंग, ये पूरी पार्किंग है इसकी, ये पूरी पार्किंग है, और हर तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और लेन के अंदर खड़ी होती हैं। ये अच्छी बात है, यहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। हमारे यहाँ तो जिसका जैसे दिल करता है, एक ने राइट साइड कर दिया तो दूसरे रॉन्ग साइड कर दिया, बस जिसका जैसा दिल करे वैसे कर देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉपर डिसिप्लिन और लेन में ही गाड़ी खड़ी करता है। ये इस वक्त रोड पर देखें, यहाँ सिग्नल तोड़ना का कोई तो मेरे ख्याल में सोच भी नहीं सकता। तो जैसे ही रेड लाइट है सब बिल्कुल ऐसे स्टॉप हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ रेंजर्स के आर्मी भी खड़ी हुई है, तो वैसे नहीं हो सकते। जो यहाँ पर ना पुलिस होती मुझे नज़र आई है कहीं पे, और ना ही कोई और, लेकिन किसी ने भी सिग्नल तोड़ने की कोशिश तक नहीं की। और इसकी जो खूबसूरती है, इसकी सफाई सुथराई देखें, रोड पे कहीं पे भी एक भी कचरा, सिंगल कचरा नज़र नहीं आएगा। वेदर देखे यार, सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है बादलों को किसी ने तरतीब से सजाया हुआ है बिल्कुल। ये देखें, ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्रॉपर सजाया हुआ है किसी ने, ओके, ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग की हुई है, ये ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है पेंटिंग है, नेचुरल तो कहीं से लग ही नहीं रहा है। खैर, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत ज़मीन बनाई है हमारे लिए, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम होगा। बस हमारे मुल्क का जो हाल है वो थोड़ा सा वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से है, वरना तो माशाल्लाह वहाँ भी खूबसूरत, वहाँ की भी जो खूबसूरती है इसमें कोई कमी नहीं है। आप नॉर्दर्न साइड चले जाएं, ऐसी हरियाली मिलेगी हर तरफ, ये ग्रास कितना प्रॉपर, हर जगह ग्रास है। ग्रास लाजमी यहाँ लगाना मैंडेटरी है, और ग्रास की कटिंग भी प्रॉपर करनी है। अगर किसी ने कटिंग नहीं की और वो बड़े हो गए तो उसको पहले वो तो आगे नोटिस देते हैं कि भाई आप अपना ग्रास कटिंग कर लें। एक दो बार देते हैं, उसके बाद फिर फाइन भी कर देते हैं। तो यहाँ के लोग खुद ही हर चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखती है हर चीज़।
कभी तो हर तरफ आप देखेंगे साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। बारिश के बाद भी देखें कहीं पे भी कोई रोड पे पानी नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ऐसा ड्राई हुआ है जैसे लग ही नहीं रहा कि बारिश हुई है। सीवेज के सिस्टम कितने अच्छे तरीके से मैनेज किए हमने, बीच से रोड को उठाया हुआ है, साइडों में ड्रेन है और जिसकी वजह से पानी सारा ड्रेन हो जाता है और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, रोड पे पानी जमा नहीं होता। चले जी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि कोई भी और अपडेट आए तो आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।